हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। माई सेल्फ रोहित अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपने पिछले वीडियोज़ में मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर और क्या है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिससे आपको क्लियर हो जाए और आपके इस क्वेश्चन में कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के और इस टॉपिक के आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अपना वीडियो शुरू करने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों को जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे पिछले वीडियोस को जरूर जाके चेक कर ले इस चैप्टर के, क्योंकि वहाँ क्या है, हमने आपका बेस पार्ट कवर करा है, तो उससे आपको ये वीडियोस और ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाई ट्री। एक आपकी बर्ड गिवन है जो कहाँ बैठी है, एक 50 मीटर हाई ट्री पे बैठी है। सबसे पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हम एक डायग्राम ड्रॉ करें और उसकी हेल्प से अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। तो यहाँ हम सबसे पहले अपना एक हमने ट्री ड्रॉ कर लिया है जिसकी हाइट हमें क्या गिवन है, 50 मीटर हमें हाइट गिवन है और उसको हमने नाम दे दिया है ए बी इज द ट्री विच इज 50 मीटर इन हाइट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। अब क्या है, हमारी जो बर्ड है वो कहाँ है, ट्री के टॉप पे बैठी है, दैट इज पॉइंट बी पे बैठी है। अब यहाँ पे हमारा ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और वहां से बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, 45 डिग्री गिवन है। तो ये हमारी बर्ड है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट अ कॉन्स्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब आपकी जो बर्ड है वो इस ट्री के टॉप से इससे दूर फ्लाई अवे दे रखा है, तो इससे दूर क्या है, उसने फ्लाई कर रही है, पर यहाँ पे क्या गिवन है, जो उसकी हाइट है वो सेम रहेगी। मतलब वो इस तरीके से फ्लाई कर रही है कि उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या सेम रहेगा। After 2 seconds, the angle of elevation of the bird is 30 degree. अब कुछ टाइम बाद सपोज करते हैं कि जो हमारी बर्ड है वो ये कोई पॉइंट है, ये हमारा कोई पॉइंट हम मान लेते हैं सी, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा डी, वो बी पॉइंट से डी पॉइंट पे चली गई है, ये हमारा बी पॉइंट है, जो हमारी बर्ड है वो बी पॉइंट से डी पॉइंट पे चली गई है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने इस तरीके से फ्लाई करा है कि जिससे जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, सेम रहेगा, कि वो पहले भी 50 मीटर था अब भी क्या है 50 मीटर रहेगा, तो इसलिए हमने इसे स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाया है। अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब अगेन इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। अब यहां से भी हम एक इस फिगर को कंप्लीट कर देते हैं, ये हमने इसे नाम दे दिया ई पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या गिवन था, हमें एक ए बी हमारा ट्री गिवन था जिसके टॉप पे हमारी बर्ड बैठी हुई है, हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी जहां से हमने बर्ड को ऑब्जर्व करा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, बर्ड आपकी फ्लाई कर जाती है बी पॉइंट से डी पॉइंट पे, बी पॉइंट से डी पॉइंट पे जब वो जा रही है तो उसका टाइम कितना है, 2 seconds। जब हमने 2 seconds बाद ऑब्जर्व करा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से, दैट इज पॉइंट सी से कितना है, 30 डिग्री है। तो ये हमारी फिगर क्या है, कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड, हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। जो मैंने अपने पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करी थी, स्पीड फाइंड आउट करी थी। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 2 seconds। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस भी कौन सा होगा, बी डी,
कि जो बर्ड की ओरिजिनल पोजीशन थी और जो बर्ड की फाइनल पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस। दैट इज हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बी डी फाइंड आउट करना है, और मैं क्या कह सकता हूँ, हमें ए ई फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो जो आपका बी डी होगा वही आपका ए ई होगा, और इसलिए जो आपका ए बी है वही आपका डी ई होगा, दैट इज डी ई बी आपका क्या होगा, 50 मीटर होगा। तो हमने सबसे पहले अपने ए सी को लेट करा एक्स और ए ई को लेट करा वाई। अब यहाँ पे अगेन क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, तो ये हमारे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला है हमारा सी ए बी और सेकंड है हमारा सी ई डी। इन दोनों ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर वाई की वैल्यू की हेल्प से हम अपनी स्पीड फाइंड आउट करेंगे। पहला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है सी ए बी, तो हम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल सी ए बी। अब यहाँ पे सी ए बी में हमारा एंगल क्या है, 45 डिग्री है, और हमें कौन सी साइड पता है, 50 मीटर पता है। 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 50 मीटर क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x, जो कि क्या है, हमारा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेन का यूज़ करेंगे। टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, विच इज़ इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स। 1045 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है, तो 1 इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स और एक्स इक्वल्स टू 50 मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो पहला अननोन वेरिएबल था या पहला अननोन डिस्टेंस जो कि है एक्स ए सी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है 50 मीटर। अब इसकी हेल्प से हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर वाई की हेल्प से हम लोग अपनी स्पीड फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम किस ट्रायंगल को यूज करेंगे, इन राइट ट्रायंगल सी ई डी। अब हमारा राइट ट्रायंगल है सी ई डी, यहां पे हमारा जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है, तो यहां पे अगेन हम 10 का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री के अपोजिट साइड है 50 मीटर जो कि नोन है, वो क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है, और y क्या है, हमारा बेस है, तो फिर परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन के लिए हम 10 को यूज कर रहे हैं। 1030 इक्वल्स टू 50 अपॉन बेस, इसका बेस क्या होगा पूरा, ये दैट इज x प्लस वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहां आपकी 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, तो इसलिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 रूट 3, और यहां पे हमारी x की वैल्यू क्या आई हुई है, 50, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 रूट 3 माइनस 50, इसमें से 50 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, और हमारा यूनिट क्या चल रही है, मीटर। तो जो हमारा सेकंड अननोन वेरिएबल था या मैं कहूँ y, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो हमारा इस क्वेश्चन में मेन पार्ट है। दैट इज हमने जो डिस्टेंस है बर्ड का, जो बर्ड का मूविंग डिस्टेंस है फ्रॉम इस ओरिजिनल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, BD डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ y की हेल्प से, और वो हमारा क्या है, 50 रूट 3 माइनस 1 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू हमें पता है हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा आया है 50 रूट 3 माइनस 1, टाइम हमें गिवन है आपका 2 सेकेंड, तो हमने यहाँ पे 2 रखा, ये 2 ones 2 25, ये आपका हो गया 25 रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ पे हमें रूट 3 की वैल्यू गिवन है, हमें क्या रखनी है, 1.732, तो हम उसकी जगह वैल्यू रख देंगे 1.732 माइनस 1। इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 into 0.732, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 18.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्योंकि आपका डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है, और जो हमें टाइम है उसकी यूनिट क्या दे रखी है, सेकेंड में, तो इसलिए जो हमारी स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या करा, सबसे पहले जो हमारा मूविंग डिस्टेंस था वो फाइंड आउट करा, और फिर मूविंग डिस्टेंस की हेल्प से हमने स्पीड का रिलेशन लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम की हेल्प से अपनी स्पीड फाइंड आउट कर ली है। और इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था हम एंड में लिख देंगे, हैंस द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड इज 18.3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा पहला क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पहले इस क्वेश्चन को आराम से रीड आउट करते हैं, फिर इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे भी कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उनको भी आराम से समझेंगे और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है हमें, एट अ पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। कोई पॉइंट है आपका जो क्या है अबव द लेवल ऑफ वाटर, 20 मीटर अबव है, और वहाँ से आपके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है क्लाउड का, 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। और उसी पॉइंट से जब हम उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं लेक में, तो वो जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। एक पॉइंट से जब हम क्लाउड को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। फिर हम लेक में उस क्लाउड की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो उसको देखने का जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जो क्या है हमारा 20 मीटर अबव है फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैंने ये आपका, ये हमारा क्या लेवल ऑफ वाटर है, या हम कह सकते हैं ये क्या है हमारी लेक है। ये हमने सबसे पहले अपनी इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के लिए हमने ये अपनी लेक शो कर दी और ये हमारी टॉप लेयर क्या है, लेवल ऑफ वाटर है। अब एक पॉइंट हमें गिवन है विच इज 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर। अब इस लेवल ऑफ वाटर से वो जो पॉइंट है वो आपका क्या है, 20 मीटर अबव है, ये हो गया, ये ए पॉइंट है, ये मेरा हो गया ए बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, यहाँ आपका सपोज करिए मैंने माना ये आपका क्या है क्लाउड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका गिवन है, कितना गिवन है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के डायग्राम के लिए क्या बनाया, अपना लेक बनाई, उसमें हमारा ये हो गया लेवल ऑफ वाटर, वहां से हमने 20 मीटर अबव आपका ए पॉइंट डिनोट करा। फिर हमें कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लाउड का वो हमारा 30 डिग्री है। तो हमने सबसे पहले अपना क्लाउड बनाया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने शो कर दिया 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज 60 डिग्री। अब इस क्लाउड का सपोज करते हैं यहाँ इस पॉइंट पे कहीं इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये है आपका सी डैश, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका रिफ्लेक्शन बन रहा है। इस पॉइंट पे इसे देखने का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है। जब हमने इनको ज्वाइन करा तो ये जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है, 60 डिग्री है। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है जो ए और सी डैश दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड को ज्वाइन कर रही है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमारा आ गया 60 डिग्री। अब मैं सी और सी डैश को ज्वाइन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, और इस लाइन को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया डी, और यहाँ पर भी मैं इसे नाम दे देता हूँ आपका ई। अब ये हमारा ए बी क्या है, 20 मीटर है, तो ये हमारा डी ई बी क्या होगा, 20 मीटर होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ए डी ई बी क्या है एक रेक्टेंगल है, ये ए बी आपका 20 होगा तो डी ई बी क्या होगा आपका 20 होगा। और सी डी को मैंने लेट कर लिया है एच, लेट सी डी बी एच। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा एक साइंस का, जो हमारी लेक है वो एक्ट करती है एज अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से वो इक्वल होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड प्लेन मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इमेज और प्लेन मिरर के डिस्टेंस के बीच में। तो ये लेक का जो लेवल है ये क्या है हमारा, प्लेन मिरर है, तो इससे जो क्लाउड का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इसका उसकी इमेज के इक्वल। इमेज मतलब हमारा जो रिफ्लेक्शन बन रहा है क्लाउड का, दैट इज जो हमारा सी ई है वो इक्वल होगा ई सी डैश के। अब यहाँ पे हमारा जो सी ई है उसकी वैल्यू क्या है, एच प्लस 20, तो सी डैश ई की वैल्यू भी क्या होगी हमारी, एच प्लस 20। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी लेक शो करी है, फिर हमने ये अपना पॉइंट ए डिनोट करा है विच इज़ 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर, फिर हमने अपना क्लाउड डिनोट करा, उनको हमने ज्वाइन कर दिया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन था 30 डिग्री, वो हमने डिनोट कर दिया।
फिर हमारा इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है लेक में, वो हमने बनाया सी डैश, उसको देखने का एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा 60 डिग्री, हमने वो बना दिया। अब क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ए डी ई बी एक रेक्टेंगल है, तो जो आपकी ए बी की वैल्यू होगी दैट इज 20 मीटर, वही आपकी डी ई की वैल्यू होगी, वो भी हमने क्या लिख दी 20 मीटर। अब मैंने लेट करा है सी डी को एच। अब यहाँ पे आके आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है कि सी ई विल बी इक्वल टू ई सी डैश, क्यों? क्योंकि हमारा जो लेक है वो एक्ट करेगा एक प्लेन मिरर की तरह, और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल होता है मिरर और इमेज के डिस्टेंस के, तो इसलिए हमारा जो डिस्टेंस होगा लेक और क्लाउड के बीच में वही डिस्टेंस होगा लेक और उसके रिफ्लेक्शन के बीच में, दैट इज सी ई इक्वल्स टू ई सी डैश। अब सी ई हमारा क्या है, सी डी प्लस डी ई दैट इज एच प्लस 20, तो इसलिए सी ई डैश भी हमारा क्या हो गया, एच प्लस 20। अब इस फिगर में हमने सारी वैल्यूज जो जो हम लिख सकते थे वो हमने लिख दी हैं। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, तो हमसे ए से क्लाउड का डिस्टेंस पूछा है, दैट इज ए सी पूछा है। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एच। अब यहाँ पे भी हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला ट्रायंगल है ए सी डी, ये हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। पहला ट्रायंगल है हमारा ए सी डी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए डी सी सी डैश। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से अपना वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए डी को हमने एक्स लेट कर लिया, ये हमने ए डी को एक्स लेट कर लिया, या आप कह सकते हो बी ई को हमने एक्स लेट करा, जो आपका बी ई होगा वही आपका क्या होगा, ए डी होगा, तो इसलिए ए डी भी क्या हो गया, एक्स हो गया। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे भी हम 10 का यूज करेंगे, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा सी डी और बेस है हमारा ए डी, सी डी की वैल्यू है एच और ए डी की वैल्यू है एक्स। 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, और हम क्या कह सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री एच, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमने इन ट्रायंगल ए सी डी यूजिंग 10 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x इंटू 1x हो जाएगा और h इंटू रूट थ्री आपका रूट थ्री एच। अब हमारी x की वैल्यू आ गई है रूट थ्री एच। अब हम अपना सेकेंड राइट ट्रायंगल देखते हैं जो कि क्या है, ए डी सी डैश, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए डी सी डैश 10 60, यहाँ पे भी हम 10 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या क्या पता है, आपका डी सी डैश पता है और हमें x भी पता है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम यहाँ पे भी आपका 10 यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका डी सी डैश अपॉन बेस क्या है, ए डी, ए डी मतलब या x। अब देखेंगे डी सी डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपका ई सी डैश की वैल्यू क्या है, एच प्लस 20 और डी ई की वैल्यू क्या है 20, तो h प्लस 20 प्लस 20 ये क्या हो जाएगा आपका h प्लस 40 अपॉन x की वैल्यू क्या है हमारी रूट थ्री एच। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे क्या है यहाँ पे h प्लस 20 रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और आपका आंसर क्या है गलत हो जाएगा उससे। तो यहाँ जो हमारी ये ट्रायंगल है ए डी सी डैश, उसकी जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है सी डैश डी, सी डैश डी विल बी इक्वल टू सी डैश ई प्लस डी ई, तो उसको जब प्लस करेंगे h प्लस 20 प्लस 20 तो वो वैल्यू क्या आएगी, h प्लस 40, 10 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, इस वैल्यू को भी मैंने उधर आपका मूव कर दिया है, तो ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच इक्वल्स टू एच प्लस 40 हो जाएगा। अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है 3h, 3h इक्वल्स टू एच प्लस 40, अब इस h को आपका ट्रांसपोज कर देंगे 2h इक्वल्स टू 40 और h इक्वल्स टू 20 मीटर, जो हमारा h की वैल्यू है वो हमने ऑप्टेन कर ली है, ये हमारी h की वैल्यू अब क्या आई है 20 मीटर आई है। अब यहाँ से आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, कोई आपको यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। अब हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम a, दैट इज हमें ac फाइंड आउट करना है, तो हम अगेन क्या यूज़ करेंगे, अपना राइट ट्रायंगल यूज़ करेंगे ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD। अब ए सी डी में हमें क्या पता है, आपका सी डी पता है, दैट इज़ आपका परपेंडिकुलर पता है, और ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी क्या है, हमारी साइड अपोजिट टू राइट एंगल, दैट इज़ हमारी हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में हमारा रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है, साइन बताता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन, साइन 30 इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी है एसी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 20 अपॉन एसी। यहाँ से आपकी एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 उधर जाएगा, एसी इधर आएगा, तो 20 इंटू 2 एसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 40 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। ये जो आपका डिस्टेंस आया है ये क्या आया है, 40 मीटर आया। इसी क्वेश्चन में एक चीज और भी पूछी जाती है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर या अबव द लेक। कुछ भी लैंग्वेज करके पूछ सकते हैं कि क्लाउड का डिस्टेंस बताना है कि वो लेक से कितना ऊपर है या लेवल ऑफ वाटर से क्लाउड का डिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए भी हम एच को यूज करेंगे और डी ई को यूज करेंगे। तो 20 + 20 वो भी बाई चांस इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 40 मीटर आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है और कुछ क्वेश्चन में आपसे एच की वैल्यू फाइंड आउट करा के बस ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्लाउड की हाइट बताइए फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर। तो उस क्वेश्चन में भी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 + 20 40 मीटर। वहां आपको ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहां पे लिया है क्योंकि यहां पे हमने हाइट ऑफ द क्लाउड भी फाइंड आउट कर ली है और एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी कवर कर लिया है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से भी उसका डिस्टेंस क्या है यहां पे अचीव कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, वो हमारा क्या आया है, द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो बच्चों अब हम अपनी आज की इस वीडियो और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्या हमें पूछा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड 13.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब इस लाइन का मतलब समझिए पहले क्या है। यहाँ हमें क्या गिवन है, एक टावर गिवन है। सबसे पहले हम अपना टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया जिसको हमने नाम दे दिया ए बी। ये क्या है, हमारा टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, अब हम क्या है? इस टावर के टॉप को देख रहे हैं और उसके एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है फ्रॉम टू पॉइंट्स और उन टू पॉइंट्स का डिस्टेंस है 6 मीटर एंड 13.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब ये हमारा बेस है टावर का, तो ये हमने मान लिए हमारे टू पॉइंट्स हैं सी और एक हमारा पॉइंट है डी। सी का डिस्टेंस है 6 मीटर और डी पॉइंट का डिस्टेंस है आपका 13.5 मीटर। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है, बेस से स्ट्रेट लाइन में है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं, तो क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। और हमने यहाँ पे अपने टावर की हाइट भी क्या लेट कर ली है, एच लेट कर ली है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक टावर गिवन है जिसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट इज उन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री है और इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आपका बेस ऑफ द टावर से क्या है, पहले पॉइंट का डिस्टेंस है 6 मीटर और सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस है आपका 13.5 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले हमने लिया लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। अब ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे भी हमारे दो राइट ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है हमारा ए बी डी। तो हम दोनों में सबसे पहले अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, 10 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस की वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, 10। सबसे पहले हम लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल बी ए सी। बी ए सी में हमने यूज़ करा 10 थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना ही हमें थीटा की वैल्यू पता है और ना ही हमें एच की वैल्यू पता है। तो इसको हम यहीं एज इट इज़ अभी ऐसी छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा राइट ट्रायंगल देखते हैं हमारा क्या है, इन राइट ट्रायंगल बी ए डी। अब हम लगा रहे हैं बी ए डी में अपना सेम, हम दोबारा क्या यूज़ करेंगे, 10 यूज़ करेंगे। 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा अगेन एच है और बेस हमारा क्या है, 13.5 है।
अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करा था, तो वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो हम उस प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 13.5। अब इन दोनों इक्वेशन में एक तरफ है हमारा टेन थीटा, एक तरफ है हमारा कॉट थीटा। अब हमें पता है दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, वन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू है, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारा रिजल्ट देखिए तब क्या हो जाएगा, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 6 इंटू एच अपॉन 13.5। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1, एच इंटू एच हो जाएगा एच स्क्वायर, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई है, 81, और एच इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 9 मीटर। वैसे तो जब हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो हमारी दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस की, पर क्योंकि यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या है, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हमारी, हमने केवल पॉजिटिव साइन को कंसिडर करा है और यहाँ से हमारी एच की वैल्यू क्या आ गई है, 9 मीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमारी हाइट ऑफ द टावर हमारी यहाँ क्या ऑप्टेन हो गई है, 9 मीटर हो गई है। ये भी आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है। हमने दो ट्रायंगल्स तो यूज़ कर रहे हैं आपके, पर क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 यहीं पे एंड होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करे थे उसके ऊपर ही बेस्ड आपका ये होम असाइनमेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक क्वेश्चन या इस होम असाइनमेंट के क्वेश्चन में किसी में भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो बेस्ड ऑन अ न्यू चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस।